हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मधुमिता कोलकाता से। आप सभी को 15 अगस्त के मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा रावीर उत्कल वंगा बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभनामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज कोशिश कर रही हूँ मेरे टेरेस गार्डन को, गार्डन का एक ओवरव्यू आप सभी को दिखाने के लिए। मैं एक प्लांट लवर हूँ। बहुत दिन से ना मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश नहीं ये तो मेरा दिल का एक बहुत अच्छा फील देने वाला काम है कि मैं गार्डनिंग करूं। बहुत दिन से मैं गार्डनिंग करती हूं, बहुत साल हो गए मैं मेरे सब प्लांट के साथ दिन का बहुत ही टाइम गुजरती हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे प्लांट को देखभाल करना, मेरे प्लांट के साथ रहना, मुझे बड़ी खुशी होती है इससे। मेरे पास तरह तरह की प्लांट है। मैं जहाँ जाती हूँ ना घूमने के लिए, वहाँ से ही मैं कुछ ना कुछ प्लांट तो ज़रूर कलेक्ट करके लेके आती हूँ और मेरे टेरेस पे उसका देखभाल भी करती हूँ। ये है मेरा एक मनी प्लांट। और मुझे तो गुलदाउदी की, जिसको हम सब हिबिस्कस भी बोलते हैं, उसका बहुत शौक़ है। मेरे पास तो तरह तरह की हिबिस्कस की प्लांट है, लेकिन कुछ दिन पहले तो कुछ प्लांट में इंसेक्ट्स का अटैक हुआ था। मैं बहुत कोशिश करी सब प्लांट को फिर से ठीक करने के लिए, और ठीक भी हो रहा है, लेकिन फ्लावरिंग थोड़ा कम हो गई है। होप करती हूँ अगले दिनों में बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी होगा सभी प्लांट में। ये है एक मधुमालती का प्लांट। और फ्रेंड्स, मैं तो एक बंगाली हूँ, तो इसलिए हिंदी मुझे थोड़ा कम आता है, तो अगर मैं मेरे हिंदी में कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर इट। मैं तो जानती हूँ हिंदी मेरा राष्ट्रभाषा है, लेकिन होता है ना, जो हम इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। कोलकाता में तो हम बंगाली ही बोलते हैं,
तो इसलिए हिंदी थोड़ा कम आती है मुझे। एनीवे मेरे प्लांट को आप एंजॉय कीजिए, मेरे टेरेस गार्डन को आप देखिए, होप करती हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा, लगेगा। और मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट है। और एक बात फ्रेंड्स, मैं तो कभी मेरे प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, जैसे वर्मी कंपोस्ट, काउडांग वगैरह वगैरह। और ये एक लेमन का प्लांट है, बहुत सालों से मेरे पास है, मैं कुछ दिन पहले इसको रिपोर्ट किया था, फिर से फ्रूट्स पे आने लगा है इन प्लांट। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ मेरा गार्डन आपको अच्छा लग रहा है। ये एक हिबिस्कस का प्लांट है, बहुत सालों से है मेरे पास ये प्लांट। और ये है एक क्यूकम्बर का प्लांट, एक नहीं तीन चार प्लांट्स है इस बेड में। ये मेरा जो गार्डनिंग बेड देख रहे हो ना आप, इसमें तो मैं हमेशा सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह प्लांटिंग करती हूँ। अभी तो इसमें है पुदीना के पत्ते और कुछ क्यूकम्बर के प्लांट्स। आफ्टर समडे मैं शायद इसमें टोमेटो और कुछ तरह तरह की वेजिटेबल्स लगाऊंगी। देख पा रहे हो क्यूकम्बर हो रहा है, मैं तो दो चार इसमें से ले लिया, लेकिन अभी और भी फ्रूट्स हो रहा है, बहुत फ्लावरिंग भी हो रहा है इस प्लांट में, देख के तो मेरा दिल भर जाते हैं। यही तो है ज़िंदगी का खुशी। इस क्यूकम्बर को शायद कोई इंसेक्ट खा के गया है, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। देख पा रहे हो आप लोग कितना नया नया फ्रूट्स भी आने लगा है इन प्लांट में। ये प्लांट एक ऑर्किड प्लांट है जिसको मैं सिक्किम से लेके आई हूँ, बहुत कष्ट करके मैं इन प्लांट को बचा रही हूँ कोलकाता की वेदर में। कोलकाता में तो बहुत ही गर्मी पड़ती है, आप सब जानते भी होंगे, लेकिन अभी तक इस प्लांट को मैं बचा के रखी हूँ। ये है एक कलनचुई का प्लांट जिसमें विंटर में तो बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन अब तो इसका टाइम नहीं है। और ये है एक कैना लिली, इसको भी मैं लेके आई हूँ सिक्किम से। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना ये प्लांट। अभी
आप बस इंजॉय करके जाओ मेरे टेरेस गार्डन को देख के। मेरा हिंदी तो बहुत गड़बड़ सा है, प्लीज़ आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। ये है एक लोटस का प्लांट, दुर्गा पूजा के टाइम में तो बहुत होते हैं फूल। ये है एक गुआवा का प्लांट, मेरे पास है दो गुआवा का प्लांट, एक जामरुल, बंगाली लोग तो इसको जामरुल बोलते हैं, उसका प्लांट। बहुत सारे फ्रूट्स हुए थे गर्मी में, लेकिन तब तो मैं कुछ वीडियो नहीं शूट किया तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। होप करती हूँ नेक्स्ट ईयर आई विल डू इट। मेरे पास तो बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, बहुत सालों से है। इस प्लांट को तो मैं अंडमान से लेके आई हूँ, एक पोटोस का प्लांट है ये। इतना सुंदर कलर है ना इस पत्तों का। ये तो है एक नाम तो मैं भूल रहा हूँ, बस अब देखते जाओ मेरे टेरेस गार्डन का प्लांट को। ये एक चांदनी का प्लांट बहुत सालों से है मेरे पास। होप करती हूँ मेरे प्लांट्स को आप सभी को अच्छा लग रहा है। मैं तो इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर वीडियो करूँगी आप सभी के लिए, फर्टिलाइज़र के बारे में, प्लांट्स को आप कैसे केयर करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, और सीजनल प्लांट्स के बारे में भी मैं बोलूँगी। प्लांट्स के साथ रहना तो मेरा एक बहुत अच्छी लगने वाली बात होती है।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आप सबको मेरे गार्डन अच्छा लगा और आप एंजॉय भी किया मेरे गार्डन को देख के।